टेस्टिंग और एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता रहता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर किसी टाइम पे कौन सा टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है या किसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ज़्यादा टाइम देना है तो, या आपको ज़्यादा डाउट्स क्लियर करवाने हैं तो एंड किसी पॉइंट पे आपका ओवरऑल स्टैंडिंग क्या है, वो भी टेस्टिंग और एवेल्यूएशन उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो हर बार कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके बाद उसका भी आप कहाँ स्टैंड करते हो वो सब भी आप अगर मेजर कर पा रहे हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। प्लान ऑफ एक्शन जनरली यही रहता था कि पहले कुछ टाइम तक आप किसी चीज़ को रिव्यू करो, क्लास नोट्स या फिर आपके जो भी लेक्चर नोट्स है उसको पढ़ो, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो, एंड उसके बाद आप खुद से ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, क्विजेस अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो देखने के लिए कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग आया है। एंड इनिशियली ऐसा ही रहता है, कुछ टाइम तक आप यही करते रहोगे, एंड जब आपने कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोर्सेज या फिर चैप्टर्स कर लिए हैं देन आप एक बड़ा एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लोगे जस्ट टू सी कि आप को प्रीवियस पार्ट्स कितने अच्छे से याद है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में प्रॉब्लम है, एंड उसी को आप इटरेट करते रहो। ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे, टेस्ट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे, एंड ओवरऑल आप धीरे धीरे आपका पूरा कोर्स और करिकुलम कवर होगा एंड आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको कुछ अगर कहीं पे ज़्यादा फोकस करना है वो पता चलेगा, एंड ऐसे धीरे धीरे आपका वैसे पूरा प्रिपरेशन साइकिल चलता रहेगा आगे तक एंड इवेंचुअली फाइनल एग्जाम तक। प्लान फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तीनों का इक्वल वेटेज होता है फाइनल एग्जाम में, तो आपको तीनों ही टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक टॉपिक ज़्यादा वीक है बाकी से तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, बट ओवरऑल एक आपका प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस लेवल तीनों ही टॉपिक में अच्छा हो तो वो ही प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि इवेंचुअल आपका अगर आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो और वो अच्छा नहीं जाता है तो उससे आपके बाकी कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हर्ट होगा। तो तीनों ही टॉपिक पे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए एंड किसी एक को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि ठीक है बाकी दो में कवर कर लेंगे, आपको ऐसे ही ओवरऑल पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहिए पूरे टॉपिक्स को। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी रहती है कि आप जैसा आपका एंड फाइनल एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट होगा आप उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो ताकि आप उस एनवायरनमेंट में जब आप दे रहे हो तो आप कंफर्टेबल और फैमिलियर फील करो। तो आपका जो भी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, जिस भी तरह का पैटर्न है, जिस भी तरह का यूआई आ रहा है या जो भी आपको फाइनल फील है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी तरह के एनवायरनमेंट में थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि जब आए तो आप कन्फ्यूज या फिर पैनिक ना फील करो। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आपका जो फाइनल पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरह का फॉर्मेट रहने वाला है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एक बार और बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करो उसमें, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नियर द एग्जाम।